प्रजापति समाज के लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन लेकर आए मकसूदपुर नवादा निवासी कुमार सेन पुत्र श्री खचेड़ू पूछताछ करने पर बताया कि हमारे प्रजापति समाज के चार लड़कों मुरारी, सत्येंद्र, विनोद, सुमित पर मुस्लिम समाज ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। इनमें कुछ शादीशुदा हैं, यह आरोप बेबुनियाद है। कुमार सेन के साथ आए सभी लोगों ने कहा कि अगर हमारे लड़कों ने गैंगरेप किया है तो उनकी डीएनए जांच कराई जाए और लड़की की डीएनए जांच कराई जाए। अगर हमारे लड़के दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए। महिलाओं में ज्योति ने कहा कि जिस लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया है उस लड़की का नाम नरगिस पुत्री श्री छोटे है और यह लड़की अपनी बड़ी बहन के यहाँ ग्राम भड़ला जिला मुरादाबाद में 5-6 महीने से रह रही थी और 8 दिन पहले नरगिस की भाभी के लड़का पैदा हुआ था। उसी में दोनों बहनें आई थी और आने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र रच दिया। महिलाओं ने कहा कि इस केस की सही तरीके से जांच की जाए और हमारे पति दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए। नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है। गांव का नाम? मकसूदपुर नवादा। बताइए क्या मामला है, कप्तान साहब के पास आए? मामला ये है, बलात्कार केस में ये फंसे हुए हैं, बेविहाई फांस रखा है इन्हें। हमें तो इनकी जांच चाहिए, लड़की की जांच कराओ और हमारे आदमी की भी जांच कराओ। अगर हमारे आदमी कसूरवार है तो हम सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सजा था, बहुत हाँ, हम बिल्कुल अपने आदमी को छोड़ देंगे। जब हमारा आदमी कसूरवार है तो हम छोड़ देंगे अपने आदमियों को वहीं। इसके कोई ढोर डंगर कुछ नहीं, तो घास करने का जागी थे जंगल में। और जब इसकी भाभी खत्म हुई थी, इसकी भाभी जो खत्म हुई थी तो ये यहाँ से गई थी तो इसे कपड़े हो रहे थे लड़की को, महीनों से हो रही थी ये लड़की। और जब ये वहाँ से आई है तो इसके पेट में बच्चा था, गर्भवती आई है वहाँ से ये। कहाँ से आई है? और इन्हें बड़ी बहन के घर से आई है ये। कहाँ रहती है बड़ी बहन की? भड़ना में, पागबड़े के दौरे। और जब इन्हें कोई चारा नहीं मिला मुसलमानों को हिंदुओं को हराने का तो इन्होंने ये केस हमारे ऊपर दबाव मार के डाल दिया। हम सर ये कहना चाहते हैं कप्तान साहब से, आप ईमानदारी से इसकी जांच कर दो। किस चीज़ की जांच? मतलब हाँ के इन्होंने ये कर्म किया है क्या? मतलब पूरी बात बताइए, जो भी बलात्कारी का केस लगाया रे, किसने लगाया बलात्कारी का? ये कलुआ है और इंतजार है, कल्लन है। कहाँ का मामला है? मसूदपुर नवादा। अच्छा, जो मतलब परसों की घटना जो है। अच्छा, तो मतलब किसको फंसाया जा रहा है? ये मुरारी को फंसाया जा रहा है। कौन है आपके सब लोग? ये हमारे तहेरे भाई। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं जाँच हो जानी चाहिए ईमानदारी से, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। पुलिस ने जो आरोप गिरफ्तार किया है वो कौन लोग हैं? वो हमारे घर के हैं। घर के? हाँ, तो वो बेकसूर लोग हैं? बेकसूर हैं बिल्कुल, ईमानदारी से जाँच हो जाए। वो लड़की वहाँ रही हुई है अपनी बहन के यहाँ 7 महीने से, नवंबर में। हाँ, तो आपको जो मतलब लड़की वालों ने फंसाया किस वजह से फंसाया? कोई आपकी पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी रंजिश ये है कि जो मस्जिद की वजह है। क्या वजह है पूरी बात? सन 2012 में बहन मायावती जी आई थी हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने स्कूल के लिए पार्क बनवाया था बच्चों के खेलने उलने का, बढ़िया। तो जब समाजवादी की सरकार आई तो उन्होंने तोड़ताड़ कर मस्जिद बनानी शुरू कर दी। हमने उसका विरोध करा, विरोध करने में प्रशासन ने उसे अवैध समझ के वो गिरवा दी। गिरवाने के बाद जब से ही पुलिस वहाँ 5 महीने भी रही और उसके बाद से हमारे पीछे पड़े हुए, आए दिन उल्टे सीधे केस लगा हुए हैं। भाई ये चाहते हैं किसी से यहाँ से उखड़ जाएंगे। तो जो पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो वो चारों आप ही के परिवार में? हाँ, आप ही के। आपके परिवार में? तो आप न्याय चाहते हैं? हाँ।